गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये कौन सा समय है सर गुड मॉर्निंग करने का? यह एशु सुप्तेशु जागृति है, सी इज नेवर अस्लीप। तो इसलिए मैं हमेशा गुड मॉर्निंग ही विश करता हूँ यूट्यूब पर भी। एनीवेज, गणेश चतुर्थी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैन बंधु जिनके आज संवत्सरी पर्व है उनको मिच्छामी दुखड़म, एंड आशा करते हैं कि आपकी तप तपस्या की साता रही हो। और हमारे कुछ जैन बंधुओं के जिनके कल से पर्युषण शुरू होंगे उनके लिए भी यही आशा और मनोकामनाएं, एंड गणेश चतुर्थी का पर्व आप धूमधाम से मना सकें घर बैठे बैठे विथ ऑल द सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस विच वी हैव बीन टेकिंग। बट यस, क्या ये वीडियो सर आपने विश करने के लिए ही रात को इस समय रिकॉर्डिंग करके बनाया है? सो वीडियो बनाने का कारण एक और बार हमारा ICI है, CA इंस्टीट्यूट ने एक एकेडमिक अपडेट इशू किया है, जो आप CA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से या अपनी फास्ट की वेबसाइट से, जो भी आपको ज्यादा पसंद है वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इन दिस पर्टिकुलर अपडेट व्हाट दे हैव डन, ओके ये तो मेरी समरी उससे जो मैंने बनाई है ये वो है, दिस इज बेसिकली द अपडेट ऑफ CA फाइनल ऑडिट। तो दे हैव गिवन एन अपडेट बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू सम ऑफ द सब्जेक्ट्स फर्स्ट ग्रुप में। CA फाइनल में अगर आप बात करें तो ऑडिट और लॉ के लिए दे हैव गिवन एन अपडेट, नॉट फॉर FR, जिसमें उन्होंने इंस्टेड ऑफ लेटिंग स्टूडेंट्स वेट टिल द RTP कम्स आउट, जिसमें exactly वो बताते थे क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं, उन्होंने अभी एक अकेडमिक अपडेट दे दी विच इज अ गुड वेलकम स्टेप, जिसमें exactly उन्होंने बता दिया है कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं जो एप्लीकेबल होंगे आपके नवम्बर 2020 अटेम्प्ट के लिए। So this video will be covering each and every of that particular amendment, and hence it should be seen by whom? A, वो स्टूडेंट जिनके अटेम्प्ट में 2020 थे और अब नवम्बर 2020 उन्हें देना पड़ रहे हैं, वो स्टूडेंट जिनका अटेम्प्ट ओरिजिनली नवम्बर 2020 था, एंड वो स्टूडेंट जिनके अटेम्प्ट नवम्बर 2020 के बाद है। मुद्दे की बात यह है कि CA फाइनल के सारे स्टूडेंट्स को ये वीडियो देखना होगा, बिकॉज ए, क्या अटेम्प्ट है जो नवंबर 2020 से रेलेवेंट हैं, से एज एन ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर दी नेक्स्ट सेट ऑफ अटेम्प्ट्स। प्लस आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट सर्टन अमेंडमेंट्स लाइक CARO 2020 कोड ऑफ एथिक्स, जो इंस्टीट्यूट ने इस अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं किए। इनफैक्ट कई सारे ऐसे भी नोटिफिकेशन बेस्ड अमेंडमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के, जो मिनिस्ट्री ने जनवरी 2020, अप्रैल 2020 में जारी कर दिए थे, फिर भी इंस्टीट्यूट ने उसे ना तो आपके ऑडिट के मटेरियल में ना आपके कंपनी लॉ के मटेरियल में स्पेसिफिकली शामिल किया है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दोस काइंड ऑफ थिंग्स मे कम अप। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव डिवाइडेड माय डिस्कशन इन दिस वीडियो इन टू पार्ट्स। वन, एकेडमिक अपडेट जो इंस्टीट्यूट ने दिया है उसका डिस्कशन, वो डेफिनेटली हमें कवर करना है नवंबर 2020 एंड फोर्थकमिंग अटेम्प्ट्स के लिए, एंड दोज अमेंडमेंट्स विच आर नॉट एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2020 बट दे कुड बी रेलेवेंट फॉर अस। सबसे पहले बात करते हैं एकेडमिक अपडेट में क्या अमेंडमेंट दिया है। सो दीज आर वेरी वेरी बहुत ही सिंपल छोटू से अमेंडमेंट है। मई 2020 में दो मेजर अमेंडमेंट्स आए थे, वन वॉज नेटवर्किंग गाइडलाइंस कोड ऑफ एथिक्स में, एंड सेकेंड वॉज विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल ही रिजाइन्स फ्रॉम ऑडिट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, देयर ही हैड टू कम्प्लीट द क्वार्टरली रिव्यूज इन सम केसेज एंड ऑल्सो हैड टू रिपोर्ट इट टू द ऑडिट कमिटी, एंड देन देयर वॉज सम अदर प्रोसीजरल थिंग्स। ये दो मेजर अमेंडमेंट्स थे जो मई 2020 में एप्लीकेबल थे, और ये हम मई 2020 के अमेंडमेंट डिस्कशन में, जिसको हम ऑडिट अमेंडमेंट सीरीज आस कहते हैं, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इनफैक्ट आई विल ऑल्सो शेयर दी यूट्यूब लेक्चर लिंक सो दैट इन द डिस्क्रिप्शन, जिससे आप वो अमेंडमेंट इनकेस मिस हो गया है तो आप देख सकते हैं। एकेडमिक अपडेट में टोटल 5 अमेंडमेंट्स दिए गए हैं, जिसमें से जो मेजर 2 अमेंडमेंट्स हैं आपके ऑडिट के, दे आर बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू नेटवर्किंग गाइडलाइंस एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिटर्स रेजिग्नेशन रिलेटेड रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो दीज 2 वी विल नॉट बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। सो वॉट वी आर लेफ्ट विथ इज द अदर 3 अमेंडमेंट्स विच विल टेक वन टू द अदर, और ये बहुत ही अपने आप में बेसिक, सिंपल, आसान, छोटे मोटे, एकदम हल्के एज इन टर्म्स ऑफ वेट, बहुत ही मामूली से अमेंडमेंट्स है। डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 45 के अंतर्गत दे हैव गिवन दिस अमेंडमेंट।
क्या बोला इन्होंने, तो रीडिंग करने का मेरा काम है नहीं, वो आप कर लेना. बेसिकली आई विल जस्ट टेल यू व्हाट दिस अमेंडमेंट इज फर्स्ट एंड व्हाई डिड इट कम एंड व्हाट इंपैक्ट विल इट हैव इन द पेपर ऑफ ऑडिट पर से, व्हाट ऑल प्रोविजंस विल गेट अफेक्टेड बाय इट. इन्होंने गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 45 में एक एक्सप्लेनेशन इंट्रोड्यूस किया है, नॉट एन अमेंडमेंट, नॉट अ एडिशन और अ सब्स्टिट्यूशन, बट दे हैव introduced an explanation in March 2020 wherein they have clarified that if a government company has any differential voting right shares, if a government company has any differential voting right shares, then the total paid up share capital will be considered to be the total voting power. Section 2 clause 45 basically government company kya hoti hai ise define karta hai aur ye kehta hai ki government company ek aisi company hai jisme 51% of the total paid up share capital is held by central government or state government and includes a subsidiary of a government company. तो ये कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए आपकी टोटल पेड अप शेयर कैपिटल का 51% या उससे अधिक केंद्रीय या राज्य एज इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, या गवर्नमेंट कंपनी की आप सब्सिडरी है तो भी आप गवर्नमेंट कंपनी है. तो शब्द जो यूज होता है वो होता है टोटल पेड अप शेयर कैपिटल. तो उन्होंने कहा कि भाई अगर किसी कंपनी में डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के शेयर होंगे तो टोटल पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है, उसमें से आपके पास 51 करोड़ है, फिर भी हो सकता है आपके पास मेजोरिटी वोटिंग पावर ना हो. क्यों? क्योंकि जो रिमेनिंग 49 करोड़ है उनके पास सुपीरियर राइट्स हैं. सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स, LODR में आपने ये अमेंडमेंट मेजर फॉर्म में पढ़ा था. तो इन्होंने कहा कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के केस में फिर टोटल पेड अप शेयर कैपिटल को एक्सप्लेनेशन में कहा आप मान लो कि ये टोटल वोटिंग पावर है. तब आपको टोटल वोटिंग पावर में देखना है 51% या उससे ज्यादा अगर गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट का है तो फिर वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी. बस इतना सा एक एक्सप्लेनेशन एड ऑन किया गया है, इतना ही अमेंडमेंट है, यही खत्म हो जाता है. पर अपनी आदत है नहीं खत्म करने की, अपन तो क्या है भाई प्याज के छिलके की तरह इसकी परत एक एक करके खोलेंगे, हालांकि उसकी ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई जरूरत नहीं है, बट स्टिल आदत से मजबूर है इसलिए एक बार अपने को करना पड़ेगा. क्या है प्रॉब्लम अब आप समझना इसमें. इफ यू वॉन्ट टू एक्चुअली डाइव अ लिटिल डीपर इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग, व्हाट इट सेज इज एक्सप्लेनेशन में, For the purpose of this clause, the paid-up share capital shall be construed as the total voting power where shares with differential voting rights have been issued. So, technically speaking, if I kind of define this, what they are saying is ki section 2, subsection 45 mein government company kya hogi? So, if the company has shares with differential voting rights, तो क्या है आपकी कंपनी के पास ऐसे शेयर्स? यस, देन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इधर और एंड मिलके या अलग से हैज मोर देन 51% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, फिर हम वोटिंग पावर देखेंगे तो उसे गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा. लेकिन अगर किसी कंपनी में डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के शेयर्स नहीं है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस इफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली हैज मोर देन इक्वल टू 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल. अब समझने वाले इसको समझ गए हैं कि मैं क्या बताने वाला हूं और क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे मुख से सुनना चाहेंगे तो इसलिए सुन लीजिए. ए, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का कॉन्सेप्ट आया कहां से? तो पहले से कंपनीज एक्ट में आप ऐसे शेयर इशू कर सकते हो जिनमें इक्विटी शेयर्स के नॉर्मल अनुपात से कम या ज्यादा, नॉर्मल प्रोपोर्शन ऑफ वोटिंग राइट्स व्हिच इज 1 पेड अप शेयर कैपिटल, फुली पेड शेयर विल हैव 1 इक्विवेलेंट वोटिंग राइट, यू कैन इशू शेयर्स विद लेसर और हायर राइट. हालांकि LODR में जो अमेंडमेंट आया उसमें सुपीरियर राइट्स के शेयर्स देने की बात की गई, तो उसमें इक्विटी शेयर्स आप लिस्टेड कंपनी
लिस्टेड कंपनी के पास हो सकता है कि कुछ सुपीरियर राइट्स के इक्विटी शेयर्स इशूड हो, फिर भी उसको लिस्टिंग की परमिशन दी गई है। बेसिक अमेंडमेंट आया जिसके कारण से आपके ऑडिट कमिटी के प्रोविजंस में कुछ चेंजेस आए। कॉरेस्पॉन्डिंगली कंपनीज एक्ट ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट, डिफरेंशियल कुड बी मोर और लेस देन द नॉर्मल इक्विटी शेयर्स, वोटिंग राइट्स के शेयर्स के प्रोविजंस में कुछ चेंज किया। हालांकि इंडिया में आजकल बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं नहीं जिन्होंने इस तरह के शेयर्स इशू किए हैं, बट स्टिल टाटा मोटर्स इज वन ऑफ देम हु हैज एक्चुअली इशू। टाटा कंपनी जितने नए इंस्ट्रूमेंट आती है सब इशू कर देती है, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द ग्रुप्स विच इज हैविंग कंट्रोल विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रमोटर होल्डिंग। एनीवेज, सो व्हाट हैपेंड इज कि गवर्नमेंट्स के केस में क्या हुआ, क्योंकि कंपनीज एक्ट में चेंजेस हुए डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स रिलेटेड। बेसिकली पहले ऐसा होता था कि आप 26% से ज्यादा टोटल कैपिटल का डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के शेयर्स इशू नहीं कर सकते थे। नाउ दैट लिमिट हैज बीन इंक्रीज टू 74%। सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन इट रियली क्रिएट्स अ बिग इम्पैक्ट ऑन द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल। अब कंट्रोल की डेफिनेशन एज देखें तो सब्सिडरी के रेफरेंस में यूज होती है, एसोसिएट्स के रेफरेंस में, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन यूज होती है। ये सब डेफिनेशन सब्सिडरी आपका सेक्शन 2 क्लॉज 87 के अंतर्गत या फिर आपकी एसोसिएट 2 क्लॉज 6 के अंतर्गत, इनमें जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कंट्रोल की डेफिनेशन है वो सब 2018 में पेड अप शेयर कैपिटल से डीलिंग करके टोटल वोटिंग पावर से लिंक कर दी थी। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी की ये जो डेफिनेशन है आपकी 242 के अंदर, ये अभी भी अगर आप देखो 245 सॉरी, तो अभी भी इसमें शब्द 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल था। तो इन्होंने कहा कि भाई अगर कंपनी में डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है तो बड़ा पंगा हो जाएगा, और पंगा ये हो जाएगा कि हो सकता है कुछ लोगों के पास, कुछ गवर्नमेंट के पास ही हायर वोटिंग राइट्स के शेयर है, कंट्रोल भी है वोटिंग पावर पे, फिर भी वो सब्सिडरी की क्लासिफिकेशन में नहीं आ रही है। तो इसलिए ये अमेंडमेंट डाला कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट है तो मान लेना कि पेड अप शेयर कैपिटल की जगह आपको टोटल वोटिंग पावर पड़ना है। पहली चीज, इसका मतलब क्लियर है कि अगर आपकी कंपनी में डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर्स नहीं है तो फिर आपको मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? सो यू विल हैव टू अज्यूम कि फिर ये एक्सप्लेनेशन का कोई रेलेवेंस नहीं है, अमेंडमेंट का रेलेवेंस नहीं है, तो फिर आपकी डेफिनेशन बेसिकली विल और द डिसीजन वेदर इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी और नॉट विल बी बेस्ड ऑन पेड अप शेयर कैपिटल। चलिए, एक्स्ट्रा इनपुट्स अगर आपको चाहिए तो पेड अप शेयर कैपिटल, जी हाँ, इंक्लूड्स इक्विटी शेयर कैपिटल एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये दिक्कत हो सकती है कि मेरी कंपनी में 50 करोड़ का इक्विटी और 50 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, मेरे पास 50 करोड़ गवर्नमेंट के पास 50 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और 1 करोड़ का इक्विटी शेयर कैपिटल है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट के कोई शेयर्स नहीं है, तो उस केस में टेक्निकली इस डेफिनेशन के अंतर्गत वो मेरी गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। दैट्स द सैड पार्ट ऑफ इट। सेकेंड, टोटल वोटिंग पावर की डेफिनेशन भी अपने आप में थोड़ी सी इशू क्रिएट करती है, क्योंकि टोटल वोटिंग पावर को भी डिफाइन किया गया है। टोटल वोटिंग पावर हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 89, जिसमें कहा गया कि विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर वोट, अज्यूमिंग सारे मेंबर वोट करने का जिनको राइट है अगर वोट करते तो उसमें जो टोटल वोट्स आ सकते थे, कास्ट किए जा सकते थे, जब भी मीटिंग बुला के वोट किया जाए उसे टोटल वोटिंग पावर कहते हैं। तो टोटल वोटिंग पावर की डेफिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू अ वोटर रिजोल्यूशन है और जेनेरिक नहीं है, तो इस कारण से ये भी एक पर्टिकुलर मैटर हो सकता है एक डिबेट करने के लिए। बट अगर मैं हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन कहूं तो मैं इन जनरल बोल सकता हूं सारे के सारे वो शेयर होल्डर जिनके पास वोटिंग पावर है उसमें 51% या उससे ज्यादा अगर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनी के पास है तो हम मान लेंगे कि वो एक गवर्नमेंट कंपनी है। सो दिस इज बेसिकली विथ ऑल दी इफ्स एंड बट्स, ये किंतु परंतु और जो प्रॉब्लम्स हैं अलग अलग तरह की डेफिनेशन में वो सब मैंने डिस्कस कर दिया, बट ये सिर्फ हमारे ज्ञान के लिए था। ऑनेस्टली स्पीकिंग इट हैज नो रेलेवेंस पर से एज सच कि हम उन चीजों में ज्यादा डिग इन करें और समझें। कंपनी लॉ में आप कर सकते हैं, इफ यू वांट ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल जस्ट लाइक टू टेल यू दैट गवर्नमेंट कंपनी का हमारे लिए रेलेवेंस क्या होता है। एक तो ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए रेलेवेंस होता है, एंड दूसरा रेलेवेंस हमारे लिए आई थिंक डोनेशंस, पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस गवर्नमेंट कंपनी नहीं दे सकती, दैट इज अनदर थिंग विच वी अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑडिट पर्सपेक्टिव ऑडिट के चैप्टर में। तो बस अब आपको ये ध्यान रखना है कि कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स दी हुई हैं और कहा गया है कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सी एंड एजी ने नहीं किया, तो आपको बताना है सही है या गलत। तो आप फिर वोटिंग पावर ना कि पेड अप शेयर कैपिटल के रेफरेंस में देखना कि टोटल वोटिंग राइट्स का 51% या उससे अधिक अगर गवर्नमेंट के पास है तो उसे गवर्नमेंट कंपनी मानते हुए सीएनडीजी के अपॉइंटमेंट के प्रोविजंस या पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन नहीं देने की बातें, ऐसे कोई क्वेश्चन ड्राफ्ट किया हो तो उसको आंसर कर दीजिएगा।
ठीक है, सो दिस इज बेसिकली योर सेक्शन 2 क्लॉज 45 व्हिच टॉक्स अबाउट गवर्नमेंट कंपनी. इट एड्स इन द अमेंडमेंट एड्स एन एक्सप्लेनेशन क्लैरिफाइंग इफ द कंपनी हैज डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स देन इन दैट केस यू विल सी वेदर इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी और नॉट बाय चेकिंग वेदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ईदर और एंड हैज 51% और मोर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल की जगह टोटल वोटिंग पावर. दैट्स अबाउट इट. चलिए, तो कंपनी लॉ का सच क्यों खुल गया. एनीवेज, तो कंपनी लॉ का भी आई व्हेनेवर रीड द अमेंडमेंट्स ऑफ ऑडिट आई डू गो थ्रू इट सो दैट इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ अ क्रॉस रेफरेंस वी काइंड ऑफ विल डिस्कस इट अप. कूल, सो दैट वाज वन अमेंडमेंट एंड दैट्स अबाउट इट. सो नथिंग मच. नेक्स्ट अगर मैं आ जाऊं तो व्हाट इज द नेक्स्ट अमेंडमेंट. सो दिस इज रिलेटिंग टू सेक्शन 143 197 सब सेक्शन 16 की रिपोर्टिंग. क्लास में अपन लोग डिस्कस करते हैं कि पब्लिक कंपनी में मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन सेक्शन 197 में गवर्न होती है. ऑडिटर को चेक करना है कि 197 के अंतर्गत जो मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन की लिमिट्स पब्लिक कंपनी पे लागू होती हैं उससे ज्यादा रेम्यूनरेशन तो नहीं बांट दी गई. इस तरह का कोई प्रोविजन कारो में भी एज अ क्लॉज होता है. कारो डेफिनेटली वुड बी एप्लीकेबल ऑन अ पब्लिक कंपनी, तो वहां पे हम अदरवाइज रिपोर्ट करते हैं. But then, for some or the other reason, Ministry of Corporate Affairs ने years ago, not recently, years ago, they had said कि आप 197 subsection 16 के अंतर्गत compliance हुआ या नहीं रहे, managerial remuneration ज्यादा तो नहीं है, इसका reporting auditor को करना होगा. ICAI ने एक advisory issue करी जिसमें कहा गया कि भाई ये report हम कहाँ देंगे. Where will we include this? So this was for all these years being included under 143 subsection 3 specific reporting responsibilities. That is what ICAI clarified and this has been now introduced in the academic update which ICAI has given to you. तो आपको मालूम होगा ऑडिट रिपोर्ट में हम जब ओपिनियन पैराग्राफ बनाते हैं तो ओपिनियन पैराग्राफ के बाद में देन वी बेसिकली राइट ऑल दी अदर स्टफ एंड देन आखिरी में हम रिपोर्ट करते हैं बेसिकली रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. वहां पे 143(3) की स्पेसिफिक रिपोर्टिंग के जितने पॉइंट्स होते हैं वो सब देते हैं. फिर उसमें रूल 11 में जो कुछ एडिशनल चार मुद्दों के ऊपर रिपोर्ट करना होती है, लिटिगेशन क्लेम्स, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के प्रोविजंस बनाए या नहीं, देन इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में डीलेस तो नहीं हुए हैं और स्पेसिफाइड बैंक नोट के डिस्क्लोजर, उसके बाद में आपको ये डिस्क्लोजर वहां देना होगा. तो ICAI की एडवाइजरी ने बस ये कहा है कि आप ऑडिट रिपोर्ट में पब्लिक कंपनीज के केस में मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन ड्यू से ज्यादा तो नहीं देती, इस पे स्पेसिफिक रिपोर्ट कहां दोगे. यू विल रिपोर्ट इट अंडर इन द ऑडिट रिपोर्ट इन द सेक्शन वेयर यू बेसिकली रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. सो इट इज अ रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट सेक्शन में आपको इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा. आई कैन गिव यू अ लाइव एग्जाम्पल, TCS की एनुअल रिपोर्ट. Annual report में let's go to the auditor's report, unconsolidated financial statement which we call them as a separate financial statement. In fact, Companies Act में standalone financial statement. Then report on other legal and regulatory requirements जो हमारे normal opinion paragraph और सबके बाद में आखिरी में आता है. इसमें एक तो कारो 2016 की रिपोर्ट है, ये 2019 की एनुअल रिपोर्ट है. कारो 2020-2021 से लागू होगी, उस पर भी आएंगे. फिर 143(3) की जो रिपोर्टिंग होती है जिसमें हम बताते हैं वी हैव ऑब्टेन्ड ऑल इन्फॉर्मेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच हो रही है, इसका कंप्लायंस है, डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड नहीं है, IFC और FR ब्ला ब्ला ब्ला. फिर रूल 11 के चार पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था, उसके बाद ये यहाँ पे आप रिपोर्ट कर रहे हैं, बस नथिंग एल्स. With respect to matters to be included in auditor's report under 197(16), in our opinion, according to information explanation given to us, remuneration paid by the company to its director is in accordance with the provisions of the section 197 of the Act. That's about it. तो ये specific reporting कहाँ आएगी? ये basically इस amendment में कहा गया है. Amendment is not कि आपको report करना है. This is always to be reported. It was there earlier, but institute के module में ये चीज missing थी, नहीं थी. So that is basically your second amendment. So we have done two amendments. एक government company की definition में हल्का सा amendment आया है. Second, 197(16) की reporting 143(3) के अंतर्गत as a separate report on other legal and regulatory requirements section of the auditor's report में दी जाएगी. And then coming on to section 132 NAFRA.
नफरत जिससे करता है सर हस्ती है नफरत क्यों, क्योंकि ये रखता है हम पर नजर और हमें नहीं है जरा भी पसंद क्योंकि हमारी आदत है नहीं ऑटोनॉमस बॉडी के नाम पे। बट अब धीरे धीरे नफरत क्या करते जा रहा है अपना शिकंजा हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे कसते जा रहा है। ओके तो आ जाए दोस्तों हम नफरा की बात करेंगे। नफरा ने क्या अमेंडमेंट किए हैं, तो नफरा में अमेंडमेंट्स क्यों, क्योंकि ये भाई नई चीज है अभी प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो अभी अभी नोटिफाई हुई है, दो एक साल पुरानी भी नहीं है। तो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन दे हैव देयर ओन गुड रीजंस टू काइंड ऑफ कीप ऑन अपडेटिंग एंड अमेंडिंग। तो इन्होंने एक सबसेक्शन 1 इंट्रोड्यूस कर दिया है, नथिंग मच आपके लिए, जिसमें कहा गया है कि नफरा डिविजन्स बना के भी ऑपरेट कर सकता है। तो दे कैन बेसिकली मेक डिविजन्स एंड ऑपरेट। सबसेक्शन 3A और 3B भी इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि न जाने क्यों यहाँ पे नहीं दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि इसके लिए भी चेयरपर्सन अपॉइंट करना होगा या वो कोई फुल टाइम मेंबर को नॉमिनेट करेगा और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी आप अपॉइंट कर सकते हैं डिविजन पे काम करने के लिए, 3A and B। इसके अलावा नफरा फॉर्म जो है आपका, एक आपने देखा होगा नफरा के प्रोविजंस में रूल 5 में एनुअल रिटर्न आपको फाइल करना पड़ता है, विच इज टू बी फाइल्ड ऑन 30th November एवरी ईयर। तो दैट इज व्हाट दे हैव क्लैरिफाइड। और रूल 5 में जो आप एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं बेसिकली उन कंपनीज को जो रूल 3 में कवर होती है, सो ये जो एनुअल रिटर्न है ये फॉर्मेट इसका नफरा 2 में दिया जाएगा। हालांकि ये फॉर्म ही बहुत लेट आया था, तो फिर उसके बाद आया ऐसा बोला था कि फॉर्म आने के 210 दिन में आप फाइल करो, जिसको जुलाई 2020 में 270 दिन यानी 60 दिन और बढ़ा दिया। तो वो सब कहानी अलग है, अभी तो एग्जाम में आएगा तो अपने को बस इतना लिखना है नफरा 2 30 November नॉर्मल ईयर्स में ये ड्यू डेट रहेगी, फर्स्ट ईयर में एक्सेप्शन है। नेक्स्ट इसके अलावा व्हाट हैज हैपेंड इज रूल 3 में इन्होंने बैंकिंग कंपनी, ओके तो व्हाट इज रूल 3 नफरा रूल्स 2018, तो नफरा के प्रोविजंस किस पे लागू होते हैं, नफरा अपना शिकंजा किस पे कसता है, तो हम देखते हैं रूल 3 कंपनीज पे ही नफरा का शिकंजा कसा जाता है एज इन रूल 3 कंपनीज एंड बॉडी कॉर्पोरेट्स। तो उसमें डिफाइन किया गया है कि बेसिकली लिस्टेड कंपनीज एंड लिस्टेड बियॉन्ड यू नो पेड अप कैपिटल या बोरिंग्स 500 करोड़ से ज्यादा है, या फिर आपका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, प्लस अगर आप बैंकिंग इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, तो फिर उस केस में नफरा के प्रोविजंस आपके ऊपर आपके ऑडिटर के ऊपर लागू हो सकते हैं। तो सवाल उठा भाई बैंकिंग कंपनी क्या होती है, तो उन्होंने बैंकिंग कंपनी की एक डेफिनेशन नफरा रूल्स में दे रखी थी। अब वो डेफिनेशन में क्या हो गया, उनसे भूल चूक में ऐसा हो गया कि भाई उन्होंने बोल दिया कि बैंकिंग कंपनी विल इंक्लूड बेसिकली जो नेशनलाइजेशन एक्ट हुआ था आपका एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970 and 80, जिसमें आपकी 21 नेशनलाइज बैंक्स बनाई गई थी अपार्ट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। तो उसमें क्या एक कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली कि जो नेशनलाइज बैंक है उनको नए नाम दिए जाएंगे, तो उनको बेसिकली उसमें डिफाइन किया गया था बैंकिंग रेगुलेशन उन पर्टिकुलर एक्ट्स में, एक्विजिशन ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट में। सो ऐसा बोला गया था कि भाई इन सारी बैंक्स को मर्ज करके हमें करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक बनाएंगे, तो डेफिनेशन में बोला गया बैंकिंग कंपनी में वो करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक शामिल होगी। सिमिलरली क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज नहीं किया था राइट फ्रॉम द बिगनिंग, इट वॉज नेशनलाइज और उसकी सब्सिडरीज थी, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक कौन कौन होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसकी सब्सिडरी और एक न्यू बैंक का कॉन्सेप्ट होता है। तो जब SBI बनाया गया था तो कुछ एग्जिस्टिंग बैंक को उसकी सब्सिडरी बनाया था और कुछ नई SBI की सब्सिडरी बैंक क्रिएट की गई थी जो आज भी एग्जिस्ट करती है, एज इन ट्रावणकोर जयपुर एंड बीकानेर एंड जयपुर इनफैक्ट हैदराबाद ऐसी कुछ। तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक एक्ट में जो सब्सिडरी बैंक हैं जो बेसिकली न्यू बैंक्स के अंतर्गत आती हैं, जो अब नई नहीं है 1957 की बात है, तो उनको शामिल किया गया। ये एक ऐसा अमेंडमेंट है दोस्तों जो मतलब आप यू समझ लो कोई अमेंडमेंट नहीं है, आडवाणी जी ने अपनी बात से पलट गए, क्या फर्क पड़ता है भैया पलट गए तो पलट गए, हमको उनकी कोई मुद्दे से मतलब नहीं है, कोई ऐसे ही हवा नहीं दे रहा उनकी बात को, तो क्या तो अमेंडमेंट है। ठीक है भाई हो गया, ये खत्म हो गया आपका एकेडमी के डेट का डिस्कशन खत्म हो गया है, तो अब कुछ था नहीं ज्यादा, तो मैंने बोला जो है भाई उसी को डिटेल में पढ़ लो और समझ लो, बाकी तो कुछ है नहीं अमेंडमेंट का ऐसे जिसमें ज्यादा नहीं भी सुनते लेक्चर तो चल जाता काम, क्यों क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंस नहीं है। बट देन हैविंग दैट हेडेक एंड टेंशन क्या लगेगा नहीं लगेगा क्या अमेंडमेंट चाहेंगे, इट इज बेटर काइंड ऑफ गो थ्रू इट जस्ट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। सो दीज आर द 3 मेजर अमेंडमेंट्स विच वी हैड टू डिस्कस। मेजर तो है क्या, तो वही है भाई अंधों में काना राजा है, अभी ये अमेंडमेंट दूसरे बड़े अमेंडमेंट्स के साथ आते तो कोई तवज्जो ही नहीं देता इनको। एनीवेज इसके अलावा नफरा का एकमात्र अमेंडमेंट है इनफैक्ट ये हमें डिस्कस कर लेना चाहिए जो इन सब में थोड़ा सा ज्यादा रेलिवेंट हो सकता है, जो बेसिकली पेनल्टी है।
पेनल्टी में क्या कोई चेंज हुआ है क्या? तो आ जाओ थ्रोन चार्ट में ही बता देता हूँ। पेनल्टी बेसिकली क्या होती थी, इंडिविजुअल पे एक से मिनिमम 1,00,000 होती थी और मैक्सिमम 5 times ऑफ रेम्यूनरेशन विच ही हैज रिसीव्ड हो सकती थी। फर्म्स के केस में मिनिमम 5,00,000 और 10 times ऑफ रेम्यूनरेशन विच ही हैज रिसीव्ड हो सकती थी। इसके अलावा बोला गया था कि आपको कम्प्लीटली सीए से प्रैक्टिस करने के लिए डीवार कर सकते हैं। अब सवाल ये उठा कि भैया नफरा तुम कंपनीज एक्ट की बॉडी हो और तुम सीए की डिग्री छीन लोगे तो गलत नहीं हो रहा है? तुम ज्यादा से ज्यादा ये बोल दो कि भैया सीए को ऑडिट नहीं करने देंगे कुछ समय तक। ये थोड़ी बोल सकते हो कि सीए को प्रैक्टिस ही नहीं करने देंगे किसी भी तरह से। फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है भाई, अंदर कर दो आपको लगे तो। पर ऐसी क्या बात हो गई, इतने भी ज्यादा पावर नहीं आपके पास? तो इसको अमेंड करके अब ऐसा कर दिया कि कोई भी फॉर्म या सीए गिल्टी पाया जाता है तो 6 महीने से 10 साल तक के लिए आप उसको किसी पर्टिकुलर कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट का ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इंटरनल ऑडिट या कोई भी ऑडिट उस पर्टिकुलर कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट का करने से रोक सकते हैं। प्लस एक वैल्यूएशन होता है बेसिकली आपका सेक्शन 247 के अंतर्गत, वो वैल्यूएशन की सेवाएं देने से रोक सकते हो। तो ये एक अमेंडमेंट है जो आप इन सारे अमेंडमेंट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मांग सकते हो। हालांकि पेनल्टी एज सच एग्जाम में कभी पूछते नहीं, पर जब अमेंडमेंट आता है तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्पेसिफिकली क्वेश्चन भी। तो दिस इज वन अमेंडमेंट विच इज रिलेटिंग टू नफरा ओनली एंड दैट इज समथिंग विच यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ। सर ये ड्रोन चार्ट कहीं मिल जाएंगे क्या? ये सब फास्ट की वेबसाइट पर अपलोडेड है, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर अलॉन्ग विद द आईसीए एकेडमिक अपडेट अमेंडमेंट। इसके बाद ये आपका 14th अमेंडमेंट है जो बेसिकली ऑडिटर रिजाइन करेगा तो क्या चीजें फॉलो करना है। ये हमने पिछली अमेंडमेंट लेक्चर में मई 2020 आस, आप गूगल पे सर्च कर लेना आस मई 2020, यू विल बी एबल टू फाइंड इट देयर। एंड देन प्रोफेशनल एथिक्स में नेटवर्किंग गाइडलाइंस आपको यहाँ पे दी हुई है, ये भी हमने मई 2020 के अंतर्गत डिस्कस कर लिया था। तो वेरी क्विकली नाउ लेट मी टेल यू इन टर्म्स ऑफ व्हाट ऑल अमेंडमेंट्स आर देयर। सो ये मैंने एक शीट बना दी है, ये आप डाउनलोड कर लेना वेबसाइट से या टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, यू विल गेट इट देयर। टेलीग्राम चैनल आप सीए सार्थक जैन से ढूंढ के ज्वाइन कर सकते हो। एफआर ऑडिट का सीए फाइनल के सारे स्टूडेंट्स का है, वेर वी डू डाउट सॉल्विंग एंड आई कीप ऑन शेयरिंग दी अपडेट्स। माई स्टूडेंट अदर स्टूडेंट्स एवरीबडी कैन ज्वाइन ओनली फॉर एफआर एंड ऑडिट, ओनली फॉर एकेडमिक अपडेट्स, नथिंग एल्स। चलिए नाउ व्हाट आई वाज सेइंग इज एक बार ये देख ले अमेंडमेंट्स में क्या है। तो गवर्नमेंट कंपनी का 245 एक्सप्लेनेशन एड किया है। ऑडिट रिपोर्ट में मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन के ऊपर रिपोर्टिंग कहाँ करना है वो एक मुद्दा है। नफरा में 4 मुद्दे थे, 1A इंट्रोड्यूस किया है, 3B के बारे में बोला नहीं है। रूल 3 के अंतर्गत नफरा 2, सो दिस एक्चुअली रूल 5 एंड रूल 3 में जो ऑडिटर रेफर होता है उससे रिलेटेड, पर रिटर्न रूल 5 में होता है। देन रूल 3 में बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन में कुछ एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन और पेनल्टी अभी अपन ने देख ली क्या है, रेफर ड्रोन चार्ट्स। नेक्स्ट इसके अलावा सेबी का सर्कुलर जो ऑडिटर रेजिग्नेशन, नेटवर्क गाइडलाइन काउंसिल गाइडलाइंस की, ये आपके सारे सीए फाइनल के ऑडिट के अमेंडमेंट्स कवर हो जाते हैं थ्रू एकेडमिक अपडेट जो आईसीआई ने इश्यू किए हैं। जाना मत, रुक जाओ वहीं के वहीं। द बिगर प्रॉब्लम इज कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स और अपडेट्स हैं जो आईसीआई ने नवम्बर 2020 के लिए कवर नहीं किए हैं। इनमें से 2 तो वो नवंबर 2020 की जगह मई 2021 से एप्लीकेबल करेगा, जिसमें कोई डाउट नहीं है, विच इज बेसिकली कारो 2020 एंड कोड ऑफ एथिक्स 2020। जो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर आपके लेक्चर देख लेंगे या कारो 2020 के मत देखना अगर तुम्हारा टाइम मई 2021 है, और कोड ऑफ एथिक्स के देख लेना क्यों, क्योंकि जो कोड ऑफ एथिक्स का ईसीआई कोड है उसमें बहुत मेजर चेंजेस नहीं है। 3 घंटे के अमेंडमेंट लेक्चर में सब कवर हो जाना चाहिए। मेजर चेंजेस आईफैक कोड में, और बड़ा क्वेश्चन है कि आईफैक कोड इंस्टीट्यूट कोर्स में आपके इंट्रोड्यूस करेगा, क्योंकि पहले सिर्फ उसकी एक छोटी सी ओवरव्यू होता था। सो दैट वॉज अ बिग यू नो आप येल्लो सैटेलाइट व्यू होता था, हेलीकॉप्टर ड्रोन व्यू भी नहीं होता था, बर्ड्स आई व्यू भी नहीं, एकदम छोटू सा ओवरव्यू हुआ करता था। अब अगर उन्होंने उतना ही रखा है तो फिर लिमिटेड फॉर्म में कवर करेंगे, थोड़ा ज्यादा डिटेल कर दिया तो इट विल बी एन एडिशनल डिस्कशन एंड नॉट अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। सो दैट इज व्हाई यू कैन गो विद द प्रेजेंट लेक्चर्स व्हिच वी हैव गिवन यू इन ऑडिट 5th batch और द 4th batch, व्हाटएवर बैचेस यू हैव, राइट? नोट्स एंड एवरीथिंग वी विल शेयर दैट विद यू। सो दीज टू डेफिनेटली विल बी कवर्ड फ्रॉम मई 2021, नो डाउट अबाउट दिस। कूल, चलिए तो ये क्लियर हो गया हमारा कौन सा अमेंडमेंट आगे से लगेगा। ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो सीए इंस्टीट्यूट एक तरह से भूल गया है आपके लिए कवर करने का।
तो बढ़िया बात है सर, अच्छा है, भूल गया है तो मत करो। हाँ भाई मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो कभी आ गया एग्जाम में तो दिक्कत है। इसमें से ये जो पहला अमेंडमेंट है, तो एक चीज समझना, भूलने का मतलब क्या है, इंस्टीट्यूट ने जो अमेंडमेंट्स दिए हैं ये एकेडमिक अपडेट में, ये पांच में से दो वो मई 2020 में दे चुका था, तीन उसने अभी दिए। ये जो मैं बता रहा हूँ ये इन पांच के अलावा है जो टेक्निकली 30 अप्रैल से पहले आ चुके हैं, 30 अप्रैल 2020, तो नवंबर 2020 में लागू होना चाहिए थे, लेकिन इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफिकली एकेडमिक अपडेट में नहीं दिए, एक्सेप्ट ये आखिरी के दो जो डेफिनेटली मई 2021 से ही लागू होंगे। इसमें सबसे पहले वाला जो अमेंडमेंट है ये बेसिकली आपके कॉर्पोरेट लॉ की एकेडमिक अपडेट में दे दिया है, इसलिए आप इसको पढ़ लो। हालांकि इसका रेलेवेंस कॉर्पोरेट लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, इट हैज अ वेरी 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 लिमिटेड रेलेवेंस फॉर ऑडिट। सेक्शन 188 रिलेटेड बॉडी ट्रांजैक्शंस पे जो कहता है कि कोई भी रिलेटेड बॉडी ट्रांजैक्शन करोगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल लगेगा, और कुछ केसेस में अगर उसका एक अमाउंट क्वांटम एक एक्सटेंट से ज्यादा होता है देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल ऑल्सो हैव टू सीक अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स। मेंबर्स का अप्रूवल लेने का फर्स्ट प्रोविजो है, सेकेंड प्रोविजो कहता है कि उसमें इंटरेस्टेड मेंबर वोट नहीं करेंगे। ये फर्स्ट और सेकेंड प्रोविजो गवर्नमेंट कंपनी पर लागू नहीं होता था अगर वो गवर्नमेंट कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करती थी। जो अमेंडमेंट किया गया मार्च 2020 में उसमें ये कहा कि गवर्नमेंट कंपनी अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ ट्रांजैक्शन करेगी तो भी आपको मेंबर्स का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, तो नो बिग डील। व्हाट इट सेज इज गवर्नमेंट कंपनी अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, इट इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, सेक्शन 188 गेट्स अट्रैक्टेड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, हाउएवर मेंबर अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी टू गवर्नमेंट कंपनी ट्रांजैक्शंस आर एग्जम्प्ट फ्रॉम द शेयर होल्डर अप्रूवल कंडीशंस। Now in the amendment, what they have done is they have said that government company transacting with another government company or central or state government. So it is like, say for example, Ministry of Corporate Affairs ने एक tender, say for example, निकाला कि भैया हमारे यहाँ पे electrification करना है, और उसके लिए say for example, Delhi State Electricity प्राइवेट लिमिटेड, बोर्ड लिमिटेड, जो एक गवर्नमेंट कंपनी, उसने टेंडर भरा और अप्लाई करके उनको सेवाएं दी हैं। तो एक गवर्नमेंट कंपनी ने गवर्नमेंट को सेवाएं दी हैं। इन दिस पर्टिकुलर केस आल्सो यू नीड नॉट टेक द शेयर होल्डर्स अप्रूवल अंडर सेक्शन 188 सबसेक्शन 1। सर ऑडिट में क्यों पढ़ा रहे हो, कारो में आपका क्लॉज 13 होता है, 2016 में भी, 2020 में भी क्लॉज 13 कहता है सेक्शन 177-188 के कंप्लायंसेस चेक करना होते, आपको देखना होता है कि उनके सारे ट्रांजैक्शंस के अप्रूवल्स डॉक्यूमेंटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो वहां पे अगर उसके रेफरेंस में कभी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि गवर्नमेंट कंपनी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ट्रांजैक्शन किया है, तो क्या उसका ऑडिटर को कारो के अंतर्गत कुछ रिपोर्टिंग शिपोर्टिंग करना होगा, तो आप बोल सकते हैं कि बोर्ड डायरेक्टर अप्रूवल तक ठीक है लेकिन शेयर होल्डर अप्रूवल के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। दैट्स अबाउट इट। चलिए सीएसआर का वेरी सरप्राइजिंगली, आई डोंट नो इंस्टीट्यूट ने क्यों इसे शामिल नहीं किया है। पीएम केयर्स फंड में आप सुन लीजिए, एग्जाम में आ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन और एन एमसीक्यू। पीएम केयर्स फंड में पैसा अगर आपने जमा किया है तो ये सीएसआर का एलिजिबल स्पेंड माना जाएगा। इनिशियली सीएसआर के खर्चे में सिर्फ और सिर्फ नेशनल रिलीफ फंड में अगर आप पैसे जमा करते थे तो उस पर्टिकुलर केस में वो डोनेशन सीएसआर एक्टिविटी में काउंट की जाती थी। इन्होंने पीएम केयर्स को ऐड कर दिया और उसके कुछ एफएक्यूज भी दिए कि भैया पीएम केयर्स में आपने डिपॉजिट किया है तो क्या सीएम के भी रिलीफ फंड होते हैं स्टेट के, उसमें करेंगे तो क्या वो सीएसआर क्वालिफाई होगा, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में क्या क्वालिफाई होगा। तो पूरे एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एफएक्यू पूरे एज इन 6 क्वेश्चंस के उनके आंसर्स हैं, ये यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बिकॉज इंस्टीट्यूट इज नॉट स्पेसिफिकली कवर्ड इट इन द कोर्स, दैट इज व्हाई आई एम नॉट टेकिंग इट स्पेसिफिकली, बिकॉज it is not covered by the institute, but I think you should do it, it won't take too much of a time, but then it could be asked in the exam, koi bharosa hota nahi hai inka. Iske alawa aapke LOD or listing obligation disclosure requirement ke antargat there used to be a provision that basically said ki aapka chairman ek aisa vyakti hona chahiye jo ki related nahi hai aapke with the board and basically, so what it says is top 500 listed companies mein chairman of the board will be non-executive and will not be related to the managing director or the CEO. तो ये provision applicable होना था 1/4/20 से, इसको extend कर दिया है 1/4/2022 से। तो एक छोटा सा बस एक ये amendment है, but ये as such कहीं specifically academic update में cover नहीं किया है।
कॉर्पोरेट लॉ में शायद कवर किया है इसे. देन नेक्स्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन में देयर सम चेंज व्हिच दे हैव डन व्हिच इज इंक्लूडेड इन द कंपनी लॉ आरटीपी. सो कंपनी लॉ के आरटीपी में ये आपको दिख जाएगा, उसका रेलेवेंस भी ज्यादा वहां है. एलओडीआर डेफिनेटली हमारे लिए इम्पोर्टेंट ऑडिट में होती है, तो बस एक डेट आपको 2022 की याद रखना है, ठीक है. देन रिलेटेड पार्टी वाला मैंने आपको अभी बता दिया अमेंडमेंट, दिस इज ऑलरेडी काइंड ऑफ कवर्ड देयर, सो ये रिपीट हो गया यहाँ पे. नफरा टू में मैंने बताया कि अब एक्चुअली एक्सटेंशन जो है वो बेसिकली पहले 210 दिन था और 270 दिन जुलाई 2020 में कर दिया गया, तो ये ऐसे भी मई 2021 से ही लागू होगा, अभी इसका रिलेवेंस नहीं है. देन इसके अलावा एनबीएफसी जो इंडेक्स फॉलो कर रही है, क्योंकि हमें अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के फॉर्म एओसी 4 फाइल करना होते हैं, तो इनके लिए अलग से फॉर्म दे दिया गया है. क्यों? क्योंकि इंडेक्स में एक सेपरेट शेड्यूल इन लोगों को शेड्यूल 3 के अंदर इसका एक सेपरेट शेड्यूल बनाया गया है इंडेक्स फॉलोइंग एनबीएफसी के लिए प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो इसलिए उनका फॉर्मेट भी अलग दे दिया है, एओसी 4 एनबीएफसी एंड एओसी 4 सीएफएस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनबीएफसी. तो एनबीएफसी को जो अपने फॉर्म्स आरओसी में फाइल करना है उनके ये नाम होंगे, ठीक है. तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी यू शुड नो दिस, एंड देन यू हैव दिस कारो एंड कोड ऑफ थिंग्स. तो नथिंग मेजर एसेट, कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है जो मिस करी. आई थिंक एक ये इम्पोर्टेंट चीज है जो पीएम केयर्स फंड कोरोना के आपसे कोविड रिलेटेड मैटर्स से रिलेटेड चीजें शायद शामिल कर सकते थे, बट नेवरथलेस दैट्स ऑल फाइन. तो ये 188(1) इज ऑलरेडी गिवन हियर. अब आपको क्या क्या मिलेगा अपनी वेबसाइट पे, ये जो एक शीट है ये आपको वेबसाइट पे डाउनलोड करने को मिलेगी, fast.edu.in डाउनलोड सेक्शन. ये समरी नोट्स आपको डाउनलोड करने के लिए वहां पर मिल जाएंगे. ड्रोन चार्ट्स में वापस से अटैच कर रहा हूँ, और ये जितने भी आपके अमेंडमेंट्स हैं उसमें शुरू के 3 छोटे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप यहीं से देख लीजिएगा. ये जो मैं आपके साथ एक्सेल शेयर कर रहा हूँ उसमें सब है. इसके अलावा जो आपके 2 मेजर अमेंडमेंट है, नेटवर्किंग गाइडलाइंस और नफरा से रिलेटेड, तो ये बेसिकली आपका नफरा का अमेंडमेंट है, ये आपका नेटवर्किंग गाइडलाइन का अमेंडमेंट है, और एक आपका रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर का, उसके ये डिटेल नोट्स हैं, और एक उसका एक समरी चार्ट है. तो ये सब आपकी फास्ट की वेबसाइट पे, प्लस आईसीआई का ये जो एकेडमिक अपडेट वाला, कंपनी लॉ का नहीं सॉरी ऑडिट का ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, इस पूरे की मैंने एक सिंगल फाइल बना के अपलोड कर दिया, फास्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो. 1 प्लेस यू विल गेट एवरीथिंग. थैंक यू सो मच. आई होप दिस काइंड ऑफ क्लियर्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली ऑल द अमेंडमेंट्स व्हिच आर एप्लीकेबल फॉर सीए फाइनल ऑडिट फॉर नवंबर 2020 अटेम्प्ट. थैंक यू.